परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं थोड़ा सा रेडी हूँ क्योंकि ना तो मैंने पहना है ये वन पीस ड्रेस। ये वन पीस ड्रेस है, लॉन्ग में है, इसमें पानी का थोड़ा सा स्ट्रेन भी आई थिंक लग गया है ये, बट एनीवेज तो ये मैंने पहना है। और क्योंकि अभी काम करना था तो मैंने थोड़ा सा कम्फर्टेबल ही पहना है, और होपफुली मैं इवनिंग तक सूट पहनूंगी क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में थोड़ा सा सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जाएंगे तो तब मैं सूट पहनूंगी। और वेरोनिका ये वाला ड्रेस पहनने वाली है, ये वाला ड्रेस जो पिंक ड्रेस आपने उसके शॉर्ट्स में देखा ही है वो वाला वो ड्रेस पहनने वाली है। तो चलिए खूब सारा इन्जॉय कीजिए अपना फेस्टिवल, और आज का व्लॉग पूरा देखिए। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूजा निकल गई, मम्मा क्लीनिंग कर रही है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की पूरी सफाई कर ली है, और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। तो सफाई तो पहले भी कर ही रखी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को गणेश जी के लिए जगह बनानी थी, तो ये मैंने माता की फ़ोटो थोड़ी साइड में की है और बीच में गणेश जी के लिए जगह बना दी है। बस सफाई वफाई करने के बाद मंदिर में फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो इसका मेरे को बेडशीट चेंज करना था आज, तो बेडशीट चेंज मैं कर रही हूँ। और ये देखिए मैं कॉर्नर पे ऐसे गांठे लगा लेती हूँ जिससे कि, क्योंकि वेरोनिका का पूरा दिन इसके ऊपर खेलती है, जिनके बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा पूरा दिन अगर बेडशीट पे कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है बेड पे, तो फिर बेडशीट बार बार इकट्ठी होती रहती है। तो मैं इस तरीके से चारों कोनों पर ये चार गांठे लगा देती हूँ, तो उससे फिर ये बेडशीट बाहर नहीं निकलती है, मेरे को बार बार सेट भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक टिप है, आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो बार बार आपकी बेडशीट को इधर उधर कर देते हैं। तो फैलाया, ये कपड़े चेंज किए, और इसने ये पिंक वाला ड्रेस पहना है, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बच्चों को वही कपड़े पसंद आते हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं। बच्चों को क्या मतलब, बड़ों को भी वही कपड़े पसंद आते हैं जो कंफर्टेबल हैं। और मैंने ये गाउन पहना है, पहले मेरे को मॉर्निंग से ही सूट या साड़ी पहनना था बट काम था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले गाउन पहन लेते हैं, फ्री होने के बाद फिर सूट या साड़ी कुछ पहन लेंगे। तो बस ये इसमें देखो कितना ज़्यादा नौटंकी करती है, इधर भागना उधर भागना, कॉम नहीं कराती है ये, कॉम मेरे को नहीं कराना, मेरे को यहाँ से दुखी दुखी हो रही है, और सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और आप लोगों का गणेश चतुर्थी कैसा जा रहा है मेरे को बताइए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है तो आई होप कि सभी लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, और एक अलग ही वाइब रहती है इस सीज़न में। और ये देखिए के बाद ये ब्रेसलेट मैंने उन्होंने को पहना है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, ये हम लोगों ने लिया था यही सोसाइटी में जो शॉप्स लगी थी उससे ही लिया था उन्होंने के लिए, तो ये मैंने उसको पहनाया है। और ये आ गए हमारे छोटू से गन्नू जी, छोटे से गन्नू जी को लेकर उन्होंने आ रही है और कह रही मम्मा मेरी हेल्प कर दो। तो बस फिर हम गन्नू जी को विराजमान करते हैं अपने गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी थी, पहले पूजा करेंगे उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, बट मैं सारी प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। आज हम सिंपल पराठा ही खाने वाले हैं करेले की सब्जी के साथ,
तो बस अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि गणेश जी, तो हम गणेश जी को ले आए थे, लेकिन हम बाकी का सामान जैसे फ्लावर्स वगैरह और केले की पत्तियाँ वगैरह वो नहीं लाए थे, तो बस वही लेने हम लोग जा रहे थे। और आज भी वेदर बहुत अच्छा था। लुक एट द ब्यूटी। सामने ही टेम्पल है जिसपे बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, और ये है गणेश जी। मैंने गणेश जी का फोटो लिया था, वीडियो भी लिया था, और फिर हमने सोचा कि चलो टेम्पल आए तो सभी भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा केले के पत्ते लगाए हुए थे टेम्पल में चारों तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे कहीं से पेड़ ही ला कर लगाती हूँ ना, वैसे उस टाइप से लगाए हुए थे, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाते हैं सब लोग, पूजा भी वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं करते, डिफरेंट तरीके से वो लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पे वेरोनिका जी जा रही हैं भगवान जी के दर्शन करने, इधर थे कुछ भगवान जी तो हम उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। और बस इसके बाद हम आ गए थे घर, और ये देखिए मैंने केले के पत्ते लगा दिए हैं, और वेरोनिका के पापा ने गन्नू जी को भी अच्छे से सजा दिया है। और ये हैं मोदक जो मैंने बनाए थे, कुछ फ्रूट्स जो मेरे पास रखे थे वो हमने रख लिए हैं। और मोदक की रेसिपी इनके हिसाब से नहीं देखी है तो गो चेक आउट माय चैनल। तो यहाँ पर पूजा चल रही है अभी, और मैंने पूजा कर ली थी। और वेरोनिका पूजा बहुत इन्जॉय करती है, उसकी बहुत श्रद्धा है भगवान में, बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करती है। पहले मेरे साथ पूजा करती है, फिर अपने पापा के साथ भी पूजा करती है। देखिए गन्नू जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गन्नू जी के भोग के लिए बनने वाले हैं छोले भटूरे, उसके लिए मैंने लिया है जीरा, हींग, ये है छोले मसाला, सौंफ धनिया पाउडर और लहसुन का पाउडर, अनियन, कुछ खड़े मसाले हैं, और ये टमाटो प्यूरे और चाय की पत्ती का पानी। और ये मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर रही हूँ मैं, और ये मैंने छोले पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे। तो बस अब तड़का स्टार्ट करते हैं, और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं वही चेक कर रही थी कि हो गया है नहीं। सबसे पहले मैंने हींग डाला है इसके अंदर, जीरा और फिर प्याज, और इन सबको गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के अपने मसाले। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन पाउडर यहाँ पे ऐड किया है, मेरे पास लहसुन नहीं थे इसलिए लहसुन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ।
तो बस उसको डालना है और आपको भूनना है, और इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर इनके साथ आपके पास लहसुन नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है छोले मसाला, और इसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, तो लगभग 1.5 स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है छोले मसाला। और इसके बाद मैंने सौंफ धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है, और बस इनको अच्छे से भून लेंगे सारे मसाले को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरे जो हमने रेडी करके रखा है। ये मैंने थोड़ा सा सौंफ धनिया पाउडर बाद में डाला था। सौंफ धनिया पाउडर मैं ज़्यादा डालती हूँ, बट सब लोग उतना नहीं डालते हैं, तो 1 स्पून इनफ होगा इसमें। बस ये टोमेटो प्यूरे हम इसमें ऐड करने लगे हैं, और इसके बाद इसको अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक ये सारा मॉइस्चर नहीं उड़ जाता है और ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसको पकाना है। ये देखिए इसका सारा मॉइस्चर चला गया है, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना चाय की पत्ती का पानी जो मैंने बॉयल करके रखा था। इससे बहुत अच्छा एक कलर आपके छोलों में आता है। जबकि मैंने कोई हल्दी या कोई भी चिली पाउडर कोई भी यूज़ नहीं किया है, तब भी मेरे छोलों में कलर बहुत अच्छा आया था। बस ये होने के बाद थोड़ा सा बॉयल हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बॉयल्ड चने, सॉरी छोले। और ये देखिए इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ सूखे आलू साइड डिश के लिए। तो इसमें मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा हींग मैं ऐड करूँगी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा सौंफ धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही पसंद है, हम ऐसे ही खाते हैं इसके साथ। और ये मैंने घी नहीं डाला भूल गई थी, तो ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और ये मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, मैं इसे मीडियम पीसेस में कट कर लिया था, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, और बस इसको भूनना है। और इसमें आप जब ये रेडी हो जाए तो आप थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने बिरवंसा की वजह से नहीं डाला था, क्योंकि उसको थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसके लिए मैंने नहीं डाला था। तो बाकी ये बहुत अच्छे बनते हैं, छोले भटूरे के साथ बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे, और लगभग 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, एकदम क्रस्ट इनके ऊपर जब तक ना आ जाए तब तक आपको उनको भूनना है। और ये अभी रेडी है, के लिए मैं इंस्टेंट वाला ही भटूरा आज बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए लिया है 2 कप मैदा, 1 बॉइल्ड पोटैटो मैंने मैश करके लिया है अच्छे से, दही, सूजी, 2 चम्मच तेल, और थोड़ा सा सॉल्ट, और 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर। तो इसके लिए आपको आटा जो लगा के तैयार करना है, वो जो जैसा पराठों के लिए हम लगाते हैं आटा, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही हमें इसको लगाना है। और इसको सिर्फ 10 या 20 मिनट के लिए हमें रेस्टिंग टाइम देना होता है, और ये तैयार हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है, सूजी के बाद मैं इसमें दही ऐड करने लगी हूँ, और ये फ्रेश दही आप लोग लें, ज़्यादा खट्टा दही ना लें। ये इसको अच्छे से हम कर लेंगे तैयार, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है।
हमारा आटा हो गया रेडी और इसको हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हो गए हैं और हमारा आटा भी रेडी है और ऑयल भी रेडी है। और ऐसे स्मोकी बॉइलिंग पॉइंट पर जब ऑयल हो आपका, तभी आपको भटूरा उसके अंदर डालना है। ये देखिए मैंने इसमें भटूरा डाल दिया है और इसके ऊपर से भी आपको ऐसे ही ऑयल डालना है। भटूरे मैंने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए थे, छोटे छोटे भटूरे ही हम लोग खाते हैं, तो वो छोटे छोटे ही हम लोगों ने बनाए थे। और ये बहुत ही क्रिस्पी भटूरे बने थे क्योंकि मैंने इसमें सूजी भी डाली है और बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए इस तरीके से आपको इसको बेलना है, भटूरे को नहीं उठाना है आपको, जो आपका चकला है उसको आपको राउंड राउंड घुमाते रहना है। ये मैंने प्लेटिंग कर दी है और ये ग्रीन चटनी मैंने कल ही बनाई थी, तो ये भी इसके साथ अच्छी लगती है, तो ये भी मैंने साथ में सर्व की थी। और इसके साथ अनियन भी लिया था और थोड़ा सा लाइम भी आप ले सकते हैं। और छोले और भटूरे और ये साइड डिश बहुत ही टेस्टी बनी थी। और देखिए मैंने ये वेरोनिका खा रही है, पहले इसने नहीं दिया सब्जी, मैं बाद में इसको मैंने एक आलू खिलाया तो इसने पूरा फिर मेरी आधी सब्जी खा ली थी। टेस्टी बनी थी। और ये रिंग मैं आपको दिखा रही थी, मैं पहनूंगी और ये वाली वॉच काफ़ी टाइम के बाद। तो आ गए हैं हम क्लब हाउस में और ये है वेरोनिका जी, इनकी दूसरी ड्रेस चेंज हो गई थी, इन्होंने पूरा पानी गिरा दिया था जब हमने ब्रेकफास्ट किया था मेरे ऊपर अपने ऊपर, तो फिर हमारी ड्रेस भी चेंज हो गई थी। वैसे तो मेरे को सूट पहनना ही था और ये कुछ फोटोज़ मैं आपके लिए ऐड कर रही हूँ कि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था तो वीडियो कुछ इतना ज़्यादा बन नहीं पाई, तो फिर मैंने फ़ोटो ही क्लिक कर लिए थे। यहाँ पे बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंसेस की थी तो वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आइए आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं और देखिए गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर हुई हुई थी। और ये है इनका भोग, बहुत सारे चीज़ें रखी हुई थी गणेश जी के भोग के लिए, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और बच्चों ने जो डांस किया, सॉन्ग गाए उन्होंने, सारी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी बच्चों ने, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। Thank you.
बस ये है गणेश जी का विसर्जन टाइम और गणेश जी जो मंदिर में, तो उनको सब एक बार दर्शन करने के लिए आ गए थे और ये शायद जीप थी, जीप में उनको लेकर जा रहे थे और इनको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत ही अच्छा कर रहे थे डांस। इन्होंने ये अपने हेड पे रखा हुआ था और बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा था और इसको पूरा घुमा रहे, घुमा के ऐसे ऐसे डांस कर रहे। लगभग अभी आधा घंटा हो गया है हम लोग को आए हुए, और आने के बाद मैंने विरानिका के लिए मिल्क वाले ओट्स बनाए, उसको खिलाए, दूध गर्म किया और जस्ट अभी मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो गणेश चतुर्थी आज हम लोग की बहुत अच्छी रही। हम गणेश जी को मॉर्निंग में एक्चुअली ले तो हम कल ही आए थे, बट मॉर्निंग में हमने उनको स्थापित किया, फिर हम टेम्पल गए, उसके बाद घर में मैंने आपके साथ ब्लॉग में रेसिपी भी शूट की है, वो भी आपको दिखाई है। ट्राई कीजिए क्रैकर्स, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से यहाँ पर गणेश चतुर्थी बन रही है और हम लोग भी बहुत अच्छी रही। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की कैसी रही और क्या किया। हाँ, सोसाइटी में भी बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन, वो आपने देखा ही है मेरे इसमें। एंड विरोनिका को क्या हुआ, विरोनिका हुआ फाइट हो गई पापा के साथ, तो ये हुआ है। आप लोगों का कैसा रहा ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल, आप लोग भी गणेश जी को लेकर आए हैं तो आप किस तरीके से पूजा करते हैं, क्या करते हैं, क्या रेसिपीज आप लोग बनाते हैं, और कोई ऐसी रेसिपी है जिसकी जो आप मुझसे बनाना चाहते हैं जिसको, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। हमारे गन्नू जी, इनका भी विसर्जन हो रहा है और नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो अगले साल भी गन्नू जी ऐसे ही आए और सबके घरों में सुख शांति बनी रहे।
इसी मंगल कामना के साथ आप सबको करती हूँ मैं बाय बाय और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।